नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। ग्रीष्मकालीन अवकाश पर बंद पड़े शासकीय स्कूल भवन में मुर्गियों ने डाला डेरा। मैडम की कुर्सी पर मुर्गी ने दिए आधा दर्जन से ज्यादा अंडे। जी हाँ, बालाघाट जिले के आदिवासी अंचलों में संचालित शासकीय भवनों के हालातों की तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते और देखरेख और सुरक्षा के अभाव में कई शासकीय संस्थान व सरकारी भवन खंडहर में तब्दील हो रहे हैं, जिनको लेकर जिम्मेदार भी कभी सुध लेने की जहमत नहीं उठाते हैं। हाल ही में एक सरकारी स्कूल की तस्वीर कलमकारों के कैमरे में कैद हुई है, जहां स्कूल को ही मुर्गियों ने अपना डेरा बना लिया है और मैडम की कुर्सी पर अंडे भी दे दिए हैं। दरअसल ये तस्वीर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के किरनापुर विकास खंड के वनांचल ग्राम सीतापार में संचालित प्राथमिक शाला भवन की है, जहां इन दिनों ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते ताला लगा हुआ है, लेकिन यहां के ग्रामीणों ने स्कूल भवन को ही अपना मुर्गी पालन केंद्र बना दिया है और मुर्गियों ने भी स्कूल भवन के अंदर घुसकर अपना डेरा जमा लिया है। वहीं शिक्षक शिक्षिकाओं के बैठने की कुर्सी पर मुर्गी ने आधा दर्जन से अधिक अंडे भी दे दिए हैं, जहां इस तस्वीर को न्यूज टीम ने अपने कैमरे में कैद कर लिया है। सरकारी संस्थाओं के ऐसे हालात देखने के बाद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिम्मेदार शाला प्रबंधन अपने ही स्कूल भवन की सुरक्षा को लेकर कितने गंभीर हैं।